पुराण सतमत भागु संवत विक्रम दौ अनंगा महागोखुना चतुर्पतंगा राजनीति भव्य प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतुसुदर सच्चारी तिनको वंश भय अतु भारी तब तक सुंदर मत्ती कोया बिना महामद पार न होया तब से मानव जंतु विकारी समरतनाथ देह व्रतधारी हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सत सच होई आसवामासु मारुहा देवदत्त जगतपति आसना साधुत्मनम सतश्वर गुरंगिता इथकलो गतप्राय जनेसु गर्गण मिर्धर्मतरणाय सत्वेन भगवान उत्तृष्यति अथ तेषान भविष्यन्ति मनासि विशदानि वे वासुदेव अंग्रागति पुण्यगंधानि स्पर्शामा रब्बि सरहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफकहू कौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए कुरान की इस आयत को देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोग ये कहा करते थे कि मोहम्मद ये नई मजहब नई दीन लेकर के आए हैं, मोहम्मद जादूगर है, काहिन है, मजनू है। अगर अल्लाह को नबी बनाना ही था तो किसी फरिश्तों को नबी बना करके भेजते, ये तो अब्दुल्ला का बेटा है, ये तो यतीम था, यतीम है और इसको नबी बना दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। वो दुनिया वालों आपके दरमियान जो रसूल आए हैं, जो नबी आए हैं, जो प्रॉफिट हमने भेजा है, जो मैसेंजर आया है, वो तुम्हारे जिन्स से है, तुम्हारे नस्ल से है, तुम्हारे खानदान से है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम खाते हो, वो भी खाते हैं, वो तुम पीते हो, वो भी पीते हैं, तुम शादी ब्याह करते हो, वो भी शादी ब्याह किए हैं। यानी सारी तुम्हारी आइडियोलॉजी उनके पास भी है, हमने उसको नबी बनाया है। वो इंसान है, वो तुम्हारे जिन्स से तुम्हारे नस्ल से है, लेकिन ये अलग बात है कि तुम्हारी मकान कुछ और है और मेरे नबी का मकान कुछ और है। मेरा नबी का मकान अल्लाह के रसूल का मकान मर्तबा क्या है? यतलु अलैहिम आयाती, वल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको सुनाता है, वल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको बताता है। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। आए मक्का के लोगों, 360 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, ये सारी देवता, ये सारे जो तुम्हारे देवी देवता है, ये कोई काम करने वाला नहीं है, ये तुम्हारा कोई तुम्हें ना नफा दे सकता है, ना तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है, ना तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है, ना तुम्हें घाटा दे सकता है। ये खुद ही मोहताज है दूसरों का, ये तुम्हारा मोहताज है और तुम इसी की पूजा कर रहे हो। आ जाओ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ, आ जाओ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो, लोगों कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया, लोगों 360 देवी देवताओं की इबादत क्यों कर रहे हो, आ जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए। लोगों ने यहाँ पर वहाँ कुफर मुशरिकीन एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर 360 देवी देवताओं की इबादत क्या करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा किसी और को दिया करते थे, बुतों को दिया करते थे, जो लात और उज्जा था उनको दिया करते थे। यहाँ मुसलमान है, नामोनिहाद मुसलमान, अपने आप को मुसलमान से जोड़ता तो ज़रूर है और अपने आप को मुसलमान कहता है, अहले सुन्नत वल जमात कहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु कह लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की गवाही देने के बाद लोगो वाकीमुस्सलाह नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज हर हाल में तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, नमाज किसी से दूर नहीं है और ना ही नमाज तुमसे दूर है। अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की गवाही देने के बाद जो मुसलमानों पर दूसरी चीज़ आयद होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी हर हाल में, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप तंदुरुस्त हो, चाहे आप खटिए पर लेटे जी क्यों ना हो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए कुरान अदरसर कर रहा है, अल्लाह के प्यारे हबीब हमें संदेश दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हक को
मार करके हम अपनी जमीने को, अपनी पेशानी को किसी गैर के सामने झुका रहे हैं, दरगाहों पर झुका रहे हैं, मजारों पर झुका रहे हैं, वैसे शख्सियत के सामने झुका रहे हैं जिनका नाम कुत्ता है, जिनका नाम काला शाह है, जिनका नाम घोड़ा बाबा है, जिनका नाम फला फला है। आज हमारी यह पेशानी उनके सामने झुक रही है, उनके दरों पर झुक रही है। मेरे भाइयों, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, मस्जिदों के अंदर सिर्फ 2% 3% नमाजी है। आप मजारों पर चले जाइए, दरगाहों पर चले जाइए, उस जगह देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आएगी। वहां पर मर्द भी होंगे, वहां पर औरतें भी होंगी, वहां पर खूबसूरत लड़कियां भी होंगी, वहां पर लड़के भी होंगे। मेरे भाई जो आओ, तुम्हारी किताब अल मलफूज उठाओ, अल मलफूज, तुम्हारी ये भीड़ देख करके जो तुम्हारे बड़े आला हजरत साहब है उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी किताबों से कोट कर रहा हूँ। उठाओ अल मलफूज सफ़ा नंबर 128। पीर साहब से मुरीद सवाल कर रहे हैं कि पीर साहब, औरतों का मज़ार पर आना कैसा है? सवाल है, बिल्कुल सवाल जवाब का, यानी क्वेश्चन आंसर का पूरी किताब है। उनका पीर साहब कह रहा है कि अरे ये पूछ रहे हो कि औरतों का मज़ार पर आना कैसा है, ये पूछो कि जब वो औरत इरादा करके निकलती है घर से कि हम फला मज़ार की शेयर करेंगे, अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं, लानत। और तुम यहाँ पर औरतों को भेज रहे हो, अपनी बेटियों को भेज रहे हो, सारे वहाँ जा करके अपनी ज़मीन, अपने माथे को वहाँ पर टेक रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हक तुम किसी और को दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अल्लाह कहता है अकीमुस्सला, नमाज की तरफ आ जाओ मेरे भाइयों। लेकिन ये ऐसी कौम है, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ता है कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन उनके अकीदे, उनके जो नेचर है, उनके जो अकीदे हैं, उनकी जो अकीदे हैं वो ये है कि वो मजारों पर जाकर के वो मुरादें मांगते हैं, बाबा से मुरादें मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो आदमी जिससे मांग रहा है वो भी कमज़ोर, जिससे मांगा जा रहा है वो किसी का कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, जिससे मांगा जा रहा है वो खुद ही लागर है, खुद ही कमज़ोर है, वो दूसरे का मोहताज है। मेरे भाइयों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारा पीर और हमारा मुरीद तो कब्रों के अंदर जिंदा है। मेरे भाइयों, जब तुम ये कह रहे हो कि हमारा मुरीद और हमारा पीर साहब कब्रों के अंदर जिंदा है, तो तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं तुम्हें ये चैलेंज देकर जा रहा हूँ, और मेरी चैनल मेरे चैलेंज को जरा एक्सेप्ट करना, तुम अपने बाप को और अपने भाई को और अपने बेटे को एक दिन के लिए जमीन के अंदर गाड़ दो, जमीन के अंदर उन्हें दफन कर दो, और 24 घंटे के बाद या एक दिन के बाद या 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद निकालना, उनकी हालत क्या होगी जरा देख लेना। और तुम्हारी कौन सी किताब अलाउड कर रही है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिंदों को कब्र में दफन करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जिंदे आदमी को तुम कब्र में दफन नहीं कर सकते हो, इसलिए कि हराम है। तुम ये कह रहे हो कि हमारा बाबा जिंदा है, वो हमारा घोड़ा सा, वो हमारा लोटा बाबा, डंका बाबा, कुत्ता बाबा, यहाँ तक कि तुम और नाम दे रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारी भेजे को इतना ख़राब किया है कि नाम भी तुम्हें मिला है तो ऐसे नाम मिला है कि जो आदमी सुनना गवारा ना करे। अरे कोई होता है घोड़ा सा, कोई होता है काला सा, कोई होता है लोटा बाबा, डंडा बाबा, नंगा शाह। मेरे भाई जो अल्लाह ने तुम्हारी अकल को ऐसी मारी कि नाम भी तुमने रखा है तो ऐसे नाम रखा कि लोग सुन करके शर्मा जाए, जिसे लोगों को शर्म आ जाए तुम्हारे नाम सुन करके। तुमने ऐसा नाम मिला तुम्हें? अरे उसका कोई अच्छा नाम रखता यार। मुझे एक किताब मिली है, आओ मजारों की शेयर करें हम। एक किताब है, इतनी मोटी सी किताब है, उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी बातें लिखा हुआ है कि मैं पढ़ करके दंग रह गया कि मौलाना रफीक ये क्या पढ़ रहे हो यार। ऐसी किताबें, घोड़ा शाह, काला शाह, नंगा बाबा, डंका बाबा, लोटा बाबा, पता नहीं क्या क्या सब नाम रख दिया, कुत्ता बाबा, कुत्ता का ही नाम होता है यार। कुत्ते तो नापाक होते हैं, जब अगर एक बर्तन में कुत्ते मुंह डाल देते हैं तो उनको 7 मरतबा धुला जाता है, इतने नापाक कुत्ते होते हैं। और उसे कहता क्या है, किसी आप ऐसे आदमी से पूछो और उसे आप कह दो कि हजरत अली के तुम कुत्ते हो, अरे बाप रे बाप, मारे खुशी के इतने खुश होंगे कि आपकी ज़बान मुबारक ने हमें कुत्ता कह दिया है। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का नाम रखना और ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये इस्लाम के दुश्मन है। ये अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात तो कह रहे हैं, लेकिन ये लोग
इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का फॉलोवर नहीं है। इस्लाम का फॉलोवर वो है जो पांच चीज़ों पर अमल करे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ वाकईमुस्सला, तीसरी चीज़ वाइदाई जका, चौथी चीज़ वो तो सौम रमज़ान, और पाँचवीं चीज़ मन इस्तता इलैहि सबीला, इस्तेताद हो तो ज़िंदगी में एक बार हज करना है। आइए थोड़ा सा इसका तर्जमा कर दे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम के बुनियाद पांच चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ वह इकामिस्सला, यानी नमाज पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज़ वाइदा ज़का, चौथी चीज़ वह तो सौम रमज़ान, और पाँचवीं चीज़ मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर ज़िंदगी में आपके पास इस्तेदाद हुआ तो ज़िंदगी में एक बार हज करना है। ये इस्लाम का पिलर है, ये इस्लाम का खूंटा है, इन पर अमल करना हर मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज है, ज़रूरी है। जब तक इंसान इसके ऊपर अमल ना करे तो वो मुसलमान ही नहीं कहलाएगा, वो मुसलमानों के दायरे में आएगा ही नहीं। पांच चीज़ों के एतराफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन पांच चीज़ों से में से दो चीज़ मैंडेटरी है, दो चीज़ कंपलसरी है, वो क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ वाकईमुस्सला, नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास इस्तेदाद है ज़कात देने का तो ज़कात दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हज करने की ताकत हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। रमज़ान का रोज़ा अगर आप रख सक रहे हैं तो रखिए, नहीं तो बाद में भी कज़ा कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर दो चीज़ एक से मैंडेटरी है कि अल्लाह की गवाही देने के बाद दूसरी चीज़ जो मुसलमानों पर आयद होती है वो नमाज, वह नमाज। आइए उठाइए वेद, महाभारत, महाभारत के अंदर और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी ये मंत्र मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी कहा जा रहा है नमाज पढ़ने के बारे में, योगियो जित सतत्मात्मा नाम रास्थिता एकाकीय चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को खुश करने के लिए खड़े हो जाओ, तो सीधे खड़े हो जाओ। और सीधे खड़े होने का मतलब यह है कि आपका बॉडी बिल्कुल सीधा रहे और सीने पर हाथ जोड़ लो। और ये मंत्र उस वक्त तक कहा जाता है, उस वक्त तक उनकी पूजा सफल नहीं होगा जब तक वो ये मंत्र ना पढ़ ले। ओ विभुर का स्वाहा तत्सवत्रवर्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब तक ये मंत्र नहीं पड़ेगा उसका पूजा सफल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, कुछ हद तक तो पता ये चल रहा है कि हमारा भाई जब भी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए खड़ा होता है तो अपने दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेता है, यानी हृदय से दुआ करता है, हृदय से अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन ने यह कहा कि जब तुम ईश्वर के प्रसन्न पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो हृदय पर अपने दोनों हाथ को जोड़ लो। मेरे भाइयों, या हमारा भाई, हमारा जो अदर भाई है, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो यूं बांधता है, यूं एकदम नाफ के नीचे, जो बिल्कुल ज़ईफ है। रेफरेंस हवाला मेरे पास, और हम हवाला देने के लिए तैयार, मैंने कहा है खुले मंच पर और भरे स्टेज पर कह रहा हूँ, यह ज़ईफ हदीस है और आप उसको सही मान करके नमाजें पढ़ रहे हो। तुम्हारी नमाज हो रही है नहीं हो रही, अल्लाह बेहतर जाने मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ने के लिए उस तरीके से नमाज पढ़ो। बुखारी अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद 759 नंबर की हदीस आप उठा लीजिए, आपको सीने पर हाथ बांधने की हदीसें मिलेंगी, आमीन बिल जहर की आदि हदीसें मिलेंगी। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, उसे कोट करनी पड़ेगी, उसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें मिल सकती है। मैंने भरे स्टेज पर कहा है कि आप जहाँ नाद करी जहाँ बांध रहे हैं यह हदीस ज़ईफ़ है। अगर आपको सही हदीस खोजनी हो तो अबू दाऊद शरीफ उठाइए और देख लीजिए 759 नंबर हदीस, आपको सीने पर हाथ बांधने के सबूत मिलेगा और यह हदीस सही है। आइए, हमने यहाँ गवाही दे दी, यहाँ हमने बता दिया कि हिंदू भाई ऐसे दोनों हाथों को सीने पर जोड़ लेता है, हम भी यूँ रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो सूरह फातिहा पढ़ो,
या अदर कोई सूरह पढ़ो तो ऐसे अल्फाज से पढ़ो ताकि लोगों की समझ में आ जाए, और तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं।